बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और बिहार पुलिस को सशक्त बनाए जाने के लिए जो नए पदों का सृजन किया गया है 75,543, उसके संबंध में जो कार्रवाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही चयन आयोग सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में एक साथ सिपाहियों के पद पर कभी नियुक्ति नहीं हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पिछले वर्ष गांधी मैदान में लगभग 10,000 कर्मियों की एक साथ नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र हस्तांतरण की बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। वह संख्या करीब 10,000 थी। अब हम सीधे एक साथ एक विज्ञापन के तहत 21,391 सिपाहियों के पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम इस संबंध में आम जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। इस पूरी बहाली में 7,903 कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे 21,000 में, तो हमारी महिला कर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में आएँ और बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए इस भर्ती में भाग लें। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण 35% है और इसके अलावा पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित हैं। कुल मिलाकर के 7,903 पद महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित रहेंगे। राज्य की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। साथ ही साथ बिहार पुलिस में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती संभवतः पहली बार एक विज्ञापन के तहत होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है, अतः उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष और अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष, इस वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। गृह रक्षकों को इसमें कुछ छूट दी गई है। जो डिटेल जब विज्ञापन सिपाही भर्ती पर्षद द्वारा जारी किया जाएगा उसमें सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन 2 चरणों की परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों आयोजित की जाएंगी। तो ये अच्छा मौका है उन युवाओं के लिए जो कि लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों में दमखम रखते हैं, तैयारी में जुटें और बिहार पुलिस में बहुत भारी संख्या में ये रिक्विजिशन हमने कल भेज दिया है। जैसा आपको पता है कि अब ये सारी की सारी कार्रवाई सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा की जाएगी जिनके द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जाएगा।
विज्ञापन निर्गत करने के बाद अंतिम कट ऑफ डेट होगी, उस डेट तक जो विज्ञापन आएंगे, जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, उसके बाद में उसकी लिस्ट बनेगी, फिर प्रतियोगिता परीक्षा कैसे कैसे होगी, लिखित परीक्षा कैसे होगी और फिजिकल परीक्षा कैसे होगी, उसका पूरा चार्ट निकलेगा। हम लोगों को ऐसी उम्मीद है और आशा है कि जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने नवंबर में ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाया था, इस वर्ष हम लोग 21,391 पदों पर नियुक्ति पूरी करें और इस वर्ष के दिसंबर होते होते तक हम लोग वैसा ही एक साथ बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम हो। लेकिन ये अभी प्रथम चरण है, अभी विज्ञापन होगा और उसके आगे की कार्रवाई होगी। इस नियुक्ति के अलावा नियुक्ति संबंध शॉर्टफॉल होंगे, मतलब एग्जिस्ट कितना आप, मैं आपको मैं बताऊंगा विभिन्न कोटि के 75,543 पदों को स्वीकृत किया है सरकार ने। इसमें विभिन्न पद हैं 75,543, उसमें से बहुत सारे पद जो है प्रोन्नति के हैं। सीधी नियुक्ति के कितने पद हैं वो आपको मैं बता दूंगा अलग से, और उसमें से 21,000 का हम लोग एक साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी लक्ष्य है। और अभी बिहार पुलिस का स्वीकृत बल जो है वो बढ़ करके अब हमारा 21,000 बढ़ जाएगा, करीब 1,60,000 से 65,000 के आसपास पहुंच जाएगा। वो आंकड़े भी मैं प्रेस रिपोर्ट में आते हैं। सर पहले फिजिकल होगा या रिटेल, वो सारी चीज़ें आपको विज्ञापन में किस तरह से होगी, कहाँ होगी, बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, वो आपको विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केवल सिपाही की भर्ती नहीं है, दरोगा की भर्ती के संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 1,288 दरोगा के पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराएंगे। अभी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया उसमें की जा रही है, संभावना है कि मई के महीने में इसके संबंध में भी हम लोग आपको अवगत कराएंगे। इसी के अलावा स्टेनो एएसआई के पद हैं करीब 194, इन पदों के बारे में भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है, यह भी उम्मीद है कि मई के महीने में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। आप लोगों को पता है कि दरोगा के लिए एक दूसरा भर्ती आयोग है, पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, और सिपाही की भर्ती के लिए सिपाही भर्ती पर्षद, तो वो दोनों आयोगों में हम लोग अपनी अपनी रिक्वेशन भेज देंगे और इस साल के होते होते वर्ष के समाप्ति के पहले हम लोग बड़ी भारी संख्या में नियुक्ति करेंगे।